25 सालों में जिन जगह पे जीत नहीं पाई वहाँ जीती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी झेप मिटाने के लिए चाहे कुछ भी दावे करें, लेकिन सच्चाई ये है कि मतों का प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है, वार्ड हमारे ज़्यादा हैं और निकाय भी हम ज़्यादा जीतेंगे। ये 25 साल बाद परिवर्तन आया है, तो ये उपचुनाव हर हालत में चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसकी हमारी पूरी तैयारी, जनता हमारे साथ है। सर राजनीतिक नियुक्ति के लिहाज से आप पधारे हैं, कब तक राजनीतिक आप भी बैठक हुई सर? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम किस वजह से पधारे हैं? सर आपसे पूछ रहे हैं कि किन मुद्दों पे बात? ऐसा है कि मैं राजस्थान प्रदेश का प्रभारी हूं और यहां पर पूरे सरकार का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सब लोगों का अच्छे आपस में समन्वय हो और कार्यकाज सबका अच्छा चले, मेन मकसद हमारा ये है। और अभी आज हम लोग दो मीटिंग्स मुख्यतः ले रहे हैं, एक में हम लोग सीएम आवास में जितने भी हम लोगों ने ऑब्जर्वर्स चारों बाय इलेक्शंस के बनाए हैं उन सब लोगों के साथ में, सीएम के साथ में मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग सब लोग समीक्षा करेंगे कि कैसे हम लोग उसकी तैयारी करें। उसके बाद दोपहर को मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जाऊँगा और वहाँ पर जो हमारे जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। हमने उनको दो टास्क मुख्यतः दिए थे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के तीन तीन चार चार लोगों का पैनल बनाने के लिए, और साथ के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी हैं उसके बारे में उनको जानकारी लेने के लिए कहा था, तो ये चर्चा हम लोगों ने उनके साथ में करनी है। और ये भी अपने आप में, ये दोनों की दोनों मीटिंग्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसकी हम चर्चा करेंगे। नई डेडलाइन तय की है? डेडलाइन कुछ नहीं, डेडलाइन टारगेट्स होते हैं, तो टारगेट्स हम लोगों के सामने होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कयास बड़े जोरों से है कि बजट सत्र से पहले कुछ विस्तार देंगे। देखिए वो आप ही लोग चलाते हैं, आप ही लोग छापते हैं, तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि रिशफल वाली बात पे, मैंने तो कभी भी एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। हाँ, राजनीतिक नियुक्तियों की हमारी ज़रूर वो है और हम लोग जो हैं राजनीतिक नियुक्तियों की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी उसकी शुरुआत हम लोग जल्दी से जल्दी हम कर सकें, और इसी लिहाज से आज भी हम लोगों की मीटिंग्स हैं और उसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सुन रहे थे अजय माकन को, जिनका ये कहना है कि राजनीतिक नियुक्तियों का जो दौर है वो चलेगा और कोई डेडलाइन। और ये अंदर की तस्वीरें आई हैं उस वक्त की जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आप देखिए ये घर पर ब्रेकफास्ट का आयोजन किया गया था धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर, और ये तस्वीरें, और अब ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ यहाँ से निकलते हुए अजय माकन। नाश्ते का प्रोग्राम था जिसमें तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की, और अब यहाँ से निकलते हुए। महत्वपूर्ण दिन है और अब थोड़ी देर के बाद कई सारी मीटिंग्स होनी है, 2 बजे पीसीसी की बैठक भी होगी, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये कि लगभग 11:30 बजे का वक्त होगा जब सीएमआर पर अहम बैठक होगी। इस बैठक में क्या कुछ होता है, क्योंकि बात चाहे आने वाले समय में उपचुनाव की हो या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हो, ये दोनों मसले ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी है और जिस पर बात होनी है। राजनीतिक नियुक्तियों की तारीख 31 जनवरी जरूर थी, हालांकि खुद अजय माकन ये कहते हैं कि कोई डेडलाइन नहीं होती, हाँ एक टारगेट सेट जरूर किया जाता है, तो अब आगे का टारगेट क्या सेट किया जाएगा ये भी देखना महत्वपूर्ण है और उस टारगेट के तहत किस तरह से नियुक्तियां होंगी। अब यहाँ से सिलसिला लगातार चल रहा है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से निकल रहे हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधायक रफीक खान, विधायक राजेंद्र गुढ़ा, संदीप चौधरी, भवि मीणा मौजूद। सियासी नियुक्तियों और उपचुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण दिन अजय माकन आए, और कल भी देखिए 3 घंटे की मंत्रणा चली है, और बहुत महत्वपूर्ण ये भी होगा अजय माकन के लिए कि आखिर किस तरह से बैलेंस किया जाए, क्योंकि लगातार पायलट खेमे से जो सुर है वो भी हमेशा से तेज हुई है और कोशिश कवायद वहां से भी ये है कि कुछ नियुक्तियां वहां से भी हो, ऐसे में किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। कल भी मुख्यमंत्री के साथ लगातार मंत्रणा हुई, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे, ऐसे में क्या कुछ अब आगे की रणनीति होगी और किस तरीके से ये तमाम चीजें होंगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर माकन ने ब्रेकफास्ट किया, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम अन्य जनप्रतिनिधि यहां पर। केंद्र का बजट है, इसके बाद में
मुख्यमंत्री जी विभाग भारत निश्चित तौर भारत अच्छा बजट आएगा मैं जी कह सकता हूँ। सर डॉक्टरों की कमी है उसको लेकर भी आपने कहा है कि डॉक्टरों के 900 की रिटर्न की भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, कहीं कोविड की वजह से उसमें अटका हो गया, आरपीएससी में उसका इंट्री होना था, 900 की भर्ती हुई है, जैसे ही हाई कोर्ट का हटेगा नाले का उसके बाद में भर्ती होगी। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये होगा। और देखिए जब निकाय चुनाव के रिजल्ट आए 31 जनवरी को, वो दिन भी बेहद महत्वपूर्ण था और आपको याद होगा चाहे मुख्यमंत्री हो या गोविंद सिंह डोटासरा या खुद अजय माकन, उन्होंने भी इस परिणाम को काफी अच्छा कहा। उन्होंने ये कहा कि जो जीत हुई है वो जबरदस्त रही है और कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होने हैं उन जगहों पर भी नजर थी कि वहां पर रिजल्ट क्या हुआ है, क्योंकि उसी के तहत आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो प्रतिनिधि है आज वो भी यहां पर मौजूद होंगे।